द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपने ये देखना है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो एग्जिस्टिंग लोग अवेलेबल हैं, उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज का लेवल है, क्या एक्सपीरियंस अवेलेबल है, वेयर दे कैन बी यूटिलाइज्ड मोर इफेक्टिवली। ज़ाहिर है यू नीड टू हैव द राइट नंबर ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देखते हैं कि लोगों की क्वालिफिकेशन कुछ और होती है या उनका स्किल सेट, उनका एक्सपीरियंस कुछ और होता है, लेकिन वो काम किसी और फंक्शन में कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स दे आर इफेक्टिव, समटाइम्स दे आर नॉट इफेक्टिव। लेकिन अगर आप ये एनालिसिस करने में कामयाब हो जाते हैं कि आपके पास कौन से लोग हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, उनका नॉलेज लेवल क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, डेटाबेस आपके पास डेवलप हो जाता है, तो आपके लिए ये आसानी हो जाती है कि अगर उनकी प्लेसमेंट आपने राइट जगह पे करनी है तो आप आसानी से वहाँ पे कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, दैट इज़ दी जॉब इवेल्युएशन। आपने ये डिसाइड कर लिया, येस वी नीड दिस नंबर ऑफ पीपल, दिस काइंड ऑफ पीपल, एंड they must be capable enough to achieve the objectives of the organization effectively as well as efficiently. अब आपके पास आता है कि evaluation आपने उनकी कैसे करनी है। तो job evaluation को generally जब हम बात करते हैं तो तीन portions में किसी ना किसी लिहाज से हम उसे divide कर लेते हैं। पहला portion जो है that is the job description। जो लोग आपने hire किए हैं, जिस position पर hire किए हैं, what do you want them to do for the organization? सो ये वट पार्ट जो है दैट विल मेक द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर यू। जॉब डिस्क्रिप्शन को जितना आप अच्छा रखेंगे, जितना क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखेंगे, उतना आपके लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है। कोशिश करें वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बनाएं उसे, और एक्चुअली वही बातें उसमें आप लिखें जो कि आप अपने एम्प्लॉय से चाहते हैं कि वो करें, वही काम डिफाइन करें जो आप चाहते हैं कि वो करे और वो उसमें इफ़ेक्टिव हो और आपकी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल साबित हो। तो वंस यू हैव डिफाइंड द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो ये चीज़ भी आपको अपने जहन में ज़रूर रखनी चाहिए और हम सबके मद्देनज़र ये बात होनी चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने में वो तमाम फैक्टर्स आ जाएँ जो कि उस जॉब के लिए रेलिवेंट हैं और उस जॉब के लिए उसको किए जा सकते हैं। इसी चीज़ को, जॉब डिस्क्रिप्शन को समटाइम्स आप रिक्रूटमेंट के वक्त या सिलेक्शन के वक्त या इंटरव्यू के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी जॉब डिस्क्रिप्शन को आप एम्प्लॉय की इवेल्युएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू मेक। सो दिस इज़ व्हाट पार्ट ऑफ द इवेल्युएशन, कि क्या करना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय करें आपसे। Once you have defined the job description, तो उसके बाद फिर आता है job specification। कि ये जो description आपने बनाई है, जो what portion आपने किया है कि क्या चाहते हैं कि आपके लोग करें, who will be the person who will be doing that job, that is called as the specification। Specification में आमतौर पर उसकी qualification, उसके experience, उसके स्किल्स और ये तमाम चीज़ें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हैं, जो स्किल सेट आपको चाहिए उसके लिए, वो इसमें हम डिफाइन कर देते हैं। समटाइम्स इट्स पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, समटाइम्स इट इज़ मेंशन सेपरेटली। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे आप कहाँ लिखते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता हो, येस दिस इज़ समथिंग दैट यू वॉन्ट टू गेट डन फ्रॉम योर पीपल, एंड दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ द स्किल सेट that is needed. You need a person who must have these skills, qualification and experiences to do that job, जो कि आपने job description में define की है। उसके बाद आपका जो last portion इसका आता है, that is the job evaluation. अब जाहिर है आपने एक employee की job description को define किया, फिर आपने उसके लिए ये parameters define किए कि उसको किस किस्म का एम्प्लॉई होना चाहिए जो ये सारे काम करे। तब दूसरी बात आती है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ दैट जॉब, द वर्थ ऑफ दैट जॉब फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, वो इवेल्युएशन का हिस्सा बनती है। और उसमें जाहिर है बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको कि आप डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि जॉब इवेल्युएशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा या ये आपने डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज़
द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर जाहिर है कि अगेन आपकी ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब डिफरेंट कैटेगरीज में लोग काम कर रहे होते हैं और उनके बेनिफिट्स और उनके पैकेजेस डिफरेंट होते हैं, तो उसका भी हमें हमारे जहन में होना चाहिए कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब दैट पीपल गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट। तो ये बुनियादी चीज़ है। जो पहला पॉइंट हमारा है डिस्कशन का, वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। अगली डिस्कशन जो हम करेंगे वो इसका नेक्स्ट पोर्शन होगा, जिसमें हम देखेंगे कि इसके बाद आपने क्या करना है, दैट इज़ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन।